पूछने के लिए बुलाया होता है, अब्सॉल्वी उनके पास आकर बैठी होती है। अब्सॉल्व का बस यही हो रहा होता है कि अगर वहाँ पर आग लगी थी तो इसका मतलब आपको कोई भी वहाँ पर एविडेंस नहीं मिला, तो कहते हैं कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वहाँ पर हमें एक एविडेंस मिला था जैसे हमें यह पता लगाया कि जो जगह पर मर्डर हुआ था वो किसी और ने नहीं किया बल्कि उसी पर्सन ने किया है जिसके बारे में तुमने बताया था। और कहते हैं कि उस टाइम पर मैं भी तुम्हारे पास आया था, मुझे नहीं पता था कि तुम ये सब कुछ गुजरा है, मुझे उस टाइम पर ही कोई ना कोई एक्शन लेना चाहिए था। कहते हैं कि कोई बात नहीं, और ये सुनकर मुझे खुशी हो रही होती है कि उन्हें कोई ना कोई एविडेंस वहाँ पर मिल चुका है, इसका मतलब इन्वेस्टिगेशन अब चलती रहेगी, क्योंकि अगर उन्हें वहाँ पर कुछ भी ना मिलता तो इन्वेस्टिगेशन बंद हो सकती थी। तो डिटेक्टिव के पूछे लगते हैं कि तुम वहाँ से कैसे भागी, तुमने पहले बोला था कि वो टैक्सी से तुम्हें बिठाकर लेकर गया और उसके बाद ट्रक से तुम्हारे पीछे लगा, अब टैक्सी से ट्रक पे कैसे चेंज हुआ, तो वो बताते हैं कि मैंने उसकी टैक्सी की कीस चुरा ली थी इसी वजह से वो ट्रक से मेरे पीछे लगा। तो हमें याद आता है कि हाँ तुमने बहुत ही अच्छा काम किया अपनी जान बचाकर। अभी कहते हैं कि क्या तुम्हें वो ट्रक याद है कि किस कलर का था और कैसा ट्रक था, क्योंकि काफी सारे ट्रक होते हैं तो हमें ढूंढने में थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो तुम्हें बताना होगा कि वो कौन सा ट्रक और किस तरह का है। अब तीन चार ट्रक की पिक्स उसके सामने रख देते हैं तो वो भी सोचने लगते हैं कि वो कौन सा ट्रक था, तो उसे याद होता है कि वो व्हाइट कलर का था, तो बताते हैं कि ये वाला था और व्हाइट में था, चाहे वो गंदा वाला था पर है वो व्हाइट था। अब इसके अलावा ना तो उसे नंबर याद ना कुछ याद, और डिटेक्टिव के उसे इन्फॉर्मेशन लेने के बाद सर को वापस भेज देते हैं और सॉल्व भी था उसको गुजर ही होती है। वैसे उसके पास उसका भाई आ जाता है तो कहते हैं कि मैंने बोला था कि मेरे पास कौन बताना करना, तो मेरे पास फिर से क्यों आते, कहते हैं कि क्या तुम मुझे 1000 दे सकती हो। अब उसके लिए पैसे निकालने लगते वैसे ही कि उनको लिहोन की कॉल आ रही होती और लिहोन जो उसके बिल्कुल सामने खड़ी होती जल्दी से कॉल कट करता और लिहोन ने भी सॉल को देख लिया तो वो फॉरन से सॉल के पास आते पर सॉल जो कि उनको पैसे देने लगती है तो पता लगता है कि एक सेकंड में गेम गायब हो गया। तो लिहोन कहने लगती है कि अभी तो तुम गेम के साथ ही ना, तो कहती है कि हमें गेम के साथ ही, पता नहीं वो कहां पर चला गया। वैसे सॉल को वहां पर जो भी नजर आ जाता है सॉल को देखते ही वो भी वहां से गायब हो गई थी और लिहोन को पता भी नहीं लगता। अब दोनों जो क्लास लेने के लिए आती है वहां पर सॉल जो भी क्लास लेने के लिए आया था जबकि उसका इस क्लास से कोई भी ताल्लुक नहीं था, वो तो पी का स्टूडेंट था तो यहां पर क्यों आया। लिहोन कहने लगती है कि वो तुम्हारे लिए क्लास लेने के लिए आया, तो सॉल कहती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो अपने लिए लेने के लिए आया होगा, मेरे लिए क्यों आएगा। अभी लिहोन सॉल के लिए कुछ और होती है कि देखो तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा है। वैसे वहां पर एक लड़की आ जाती है जो सॉल के पास ही आकर बैठ गई थी, अब वो हाथ पर लगाने के लिए लोशन लेती है तो वो एक्स्ट्रा जाते जिससे वो सॉल को भी हाफ दे देती है। ये सब एक्टर सॉल भी देख रही होती है और सॉल को बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि वो सॉल को लाइक करती है। और लिहोन कहने लगती है कि जिस तरह वो लड़की सॉल के साथ बातें वगैरह कर रही है और उसको सीडियो करने की कोशिश कर रही है, ऐसा लग रहा है कि वो लाइक करती है। अब सॉल भी अपने हाथ पर चिट्ठी पैकेट नहीं देख सकता, तो कहने लगते हैं कि तुम्हें लगाने की जरूरत नहीं थी। ये कहते हुए अपने हाथों पर लगा भी रहा होता है तो वैसे हाथों को देखकर कह रही होती है कि तुम्हारे हाथों काफी बड़े हैं, क्यों ना हमें कंपेयर करना चाहिए। ये कहते हुए उसके हाथ में हाथ कर लेती है। बस सॉल कहते हैं कि कंपेयर क्यों करना है, बस ये पता लगवाने के लिए कि किसके बड़े हैं किसके छोटे हैं। और सॉल भी सब कुछ देख तो रही होती है पर कहने लगती है कि क्यूट लग रहा है, पर लिहोन कहती है कि क्या तुम्हें क्यूट लग रहा है, तुम्हें ऐसा कुछ भी देखने के बाद अच्छा नहीं लगना चाहिए। वैसे भी क्लास स्टार्ट हो जाती है और क्लास में भी सॉल भी कुछ चुप होती है, वो काफी ज्यादा सैड हो चुकी थी। अब दोनों दोस्तों पर ड्रिंक करने के लिए आ जाती है और सॉल कहने लगती है कि तुम इतने ड्रिंक करती हो, तो कहती है कि हाँ अब तो बड़े हो चुके ना, अगर ड्रिंक नहीं की तो पढ़ाई कैसे करूंगी। ये क्या ड्रिंक करती है और साथ के बारे में पूछ लगती है कि क्या वो घर पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को याद करते हुए रोता तो नहीं, तो कहते हैं कि मुझे नहीं पता, अगर तुम इतनी क्यूरियस हो रहे हो तो उसी से जाकर पूछ लो ना। अब ये बात सुनकर अपने कहने लगती है कि ना तो वो मेरी कॉल अटेंड करा और ना ही मुझसे मिला है, तो मैं कैसे पूछूं। और कहते हैं कि मुझे इतना भी नहीं हो रहा कि मैं उसे पूछने के लिए चली जाऊं। सॉल को दिन की दोनों के चक्कर का पहले से पता होता है इसलिए उसकी बातों में कुछ भी नहीं कह रही होती। और वैसे पता लगता है कि सॉल जी अपने दोस्त लोगों के साथ यहाँ पर आ जाता है और वही लड़की भी सॉल जी के साथ होती है। सॉल जी जो अपने ऊपर लगा होता है तो उसका मैसेज आया होता है कि तुम ट्यूशन के लिए आओगे या नहीं आओगे, तो वो भी आगे से पूछता है कि मुझे इस ट्यूशन में क्यों आना पड़ेगा। वैसे उसके फ्रेंड को उसके अपने फ्रेंड के कॉल आ जाती तो वहां से उसे लेने के लिए चला जाता है। उसके जाने के बाद वो लड़की भी उसे बारे में कर रही होती है, सॉल भी उनको देख रही तो कह लगती है कि क्या तुम यही पास हो गई हो, जैसे उसका हाथ लगाती तो वो वापस उठकर बैठ जाती और सर कहती है कि मैं पे करके आती हूं। ये कहकर वहां से जाने लगती है तो उसके पैसे सारे सिक्के वगैरह नीचे गिर जाते हैं और एक सिक्का तो काफी दूर भी चला जाता है टेबल के नीचे किसी के पांव के पास। तो अब वो इन्हें उठाने के बाद उसकी तरफ जा रही होती है तो वैसे ही म्यूजिक बजने लग जाता है जिसको सुनते ही लिहोन का भी अंदर का डांस बाहर आने लगता है और सॉल भी सिक्के के चक्कर में उस टेबल के पास बिल्कुल पहुंच जाती है और उस टेबल के नीचे जब होती है और जैसे अपने सिक्का को उठा लेती है तो उसे सॉरी करने लगती है, तो पता लगता है कि वो लड़का कोई और नहीं था बल्कि सोचे था जिसके पास वो लड़की आकर बैठी होती। तो सोचे कहते हैं कि तुम वहां से यहां क्यों आ गई, तो कहते हैं कि वैसे मैं यहां पर आ गई। अब दोनों को साथ में देखकर सॉल को तो समझ नहीं आ रहा था कि वो यहां से जाए तो जाए कैसे, क्योंकि उसे पीछे भी नहीं हुआ जा रहा होता और अगर वो यहां से निकले तो उसको सोच देख लेगा। और वो लड़की अपने आपको मेरा देखते हुए कहते हैं कि मेरी जिसको लाइट हो चुकी है, तो कहते हैं कि हां तुम्हें ड्रिंक काफी ज्यादा कर लिया तो तुम्हें घर जाना चाहिए, मेरे साथ इस तरह नहीं बैठना चाहिए। तो ये और भी ज्यादा ड्रिंक करने लगती है और कहती है कि मैंने सुना कि तुम अब्रॉड जा रहे हो तो मैं भी तुम्हारे साथ अब्रॉड चली जाती हूं, तो वो कहता है कि तुम मुझे फॉलो क्यों कर रही हो, जिसको वो कहता है कि अभी भी तुम्हें समझ नहीं आया मैं तुम्हें लाइक करती हूं। अब लाइक तो सुनते सॉल भी शॉक हो जाती और सियोंजो से लाइक के बाद सॉल के साथ होने वाली बात को याद करने लगता है कि तुमने कभी भी मुझे लाइक नहीं किया, क्या तुम उसे इतनी नफरत करती, इन्हीं बातों को याद कर रहा होता तभी वो लड़की सियोंजो को किस करने लगती और फॉलो से सॉल भी अपने आगे बंद कर लेती ताकि वो दोनों को किस करते न देख पाए क्योंकि वो इस चीज को कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। और वैसे सॉल के दोस्त भी वहां पर आ जाते और उनकी आती वो लड़की दूर हो जाती है, तो वो दोनों भी कहने लगते हैं कि लगता है हमने आकर तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिया है, तो वो फॉलो से कहीं और बैठने के लिए जाने लगता है। पहले ही सॉल के मोबाइल पर कॉल आ जाती तो वो रिंगटोन सुनकर वहीं पर खड़े हो जाते हैं कॉल कहां से आ रही है और सॉल भी जल्दी से कॉल कट करके अपने ऊपर मास्क पहन लेती है वहां से भागने की करती है। पर उन लोगों ने तो सॉल को पहचान लिया था और सॉल जी से लगता है कि ये तो सॉल थी जो यहां से भाग रही है, तो ये सुनते हैं सॉल उसकी तरह भागने लगता है। अब सॉल बाहर आने के बाद उनके पास की वापस कर देती और वहां से दूसरी तरफ भाग जाती है। बस सॉल जब तक आता तब तक सॉल वहां से जा चुकी थी, उसे पता भी नहीं होता कि वो किस साइड को गई है और उसका फ्रेंड आगे कहने लगता है कि सॉल को तो बुरा लग रहा होगा ना, वो तो चलो सॉरी होगी और वो भी रही होगी, तुम उसके पास आना चाहिए, वो तुम्हें लाइक करती है। तो कहते हैं कि तुम्हें गलत फहमी है, वो मुझे लाइक नहीं करती। तो कहते हैं कि क्यों लाइक नहीं करती, जब तुम्हारे घर पर चोट आई थी ना एक साल पहले तब वो तुम्हारे लिए फूट फूट कर रो रही थी, तो तुम कहते हो कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती। तो कहते हैं कि नहीं तुम्हें गलत फहमी हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पापा कहता है कि तुम्हें हुई है, तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हें लाइक नहीं करती, पर देखना वो तुम्हारे लिए रोरी होगी कि किस तरह तुम उसकी सामने किसी दूसरी लड़की को किस कर रहे थे। तो कहते हैं किस, तो कहते हैं कि तुम दोनों में किस नहीं, तो कहते हैं कि नहीं हम दोनों में कोई भी किस नहीं हुई। तो कहा जाता है कि असल में वो लड़की सोचे कि पास सॉरी होती किस करने के लिए, पर सोचे उसके वैसे सर पर अभी फिगर आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम ये क्या करना चाहती हो। तो कहती है कि तुम्हारी आईलैशेस काफी प्यारी है और एक आईलैशेस गिरी हुई थी, मैं बस उसके लिए पास आई थी, पर दोस्तों की आते ही वो लड़की उससे दूर हो जाती है। अब सोचे अपने फ्रेंड को ये सारी बात बता देता तो वो कहता है कि इसका मतलब सॉल को भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो तुम्हें उससे जाकर इस बारे में बात करनी चाहिए कि हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ। और सॉरी कहा जाती है अपने भाई के साथ बैठकर इंक्वायरी होती है, उसका भी दिल टूटा होता है, इसका भी दिल टूटा होता है, दोनों साथ बैठकर अपने वालों के ऊपर बातें कर रहे होते हैं। तो सॉल कहती है कि उसका पहला प्यार मैं थी, तो किसी और कैसे कर सकता है, इतने टाइम से वो मुझे लाइक करते पर वो इतनी जल्दी किसी और लड़की में कैसे इन्वॉल्व हो सकता है, यही बात सोच सोचकर उसको गुस्सा होता है, चालीस से भी हो रही होती है जैसा किसी के फ्रेंड ने बोला था। और क्यों जो अपनी चाय वाल को याद करते हुए रोड़ा होता है, कहता है कि वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है। तो सर कहते हैं कि तुम्हारी लिस्ट में तो कोई और लड़की भी नहीं है जो तुम्हें लाइक करती होगी, तो कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, एक लिस्ट में लड़की है पर मैं तो चाय वाल को लाइक करता हूं, मैं किसी और को लाइक कैसे कर सकता हूं। तो सर कहते हैं कि वो ऐसा कैसे हो सकता है, वो किसी और को लाइक
कैसे कर सकते हैं अगर वो मुझे लाइक करता है। अब सियाचे में नीचे पहुंच जाता करके और उसको सर की आवाज आ रही होती है जो कह रही होती है कि तुम किसी और को लाइक कैसे कर सकते हो, तो बस मुझे लाइक करते थे। उसकी आवाज सुनकर वो वहीं पर रुक जाते और वैसे ही सोल जब उसी जगह पर लेट जाते तो अपने पांव खिलाने लगती जिसकी वजह से उसके शूज उसके पांव से निकलकर नीचे गिर जाते। तो अपने शूज को लेने के लिए उस सब जाती हूँ नीचे देखते हैं तो सियाचे के हाथ में उसका शूज होता है जिसे देखकर वो फौरन से सियाचे के पास नीचे पहुंचाती है। सियाचे से कहता है कि ये तुम थी तो कहती है कि नहीं ये मेरा भाई था, वो नशे में इसी तरह की हरकतें करता है। तो कहता है कि मैं सारे में बात नहीं करा बल्कि जो टेबल के नीचे लटकी थी वो तो फिर अब यह सुनकर वो चुप से हो जाती है और कह लगती है कि मैंने वहां नीचे से कुछ भी नहीं देखा, तो बहुत ही सारे मैंने वो भी देखा, मैंने अपने बंद कर ली थी। अब सियाचे को पता लग जाता है कि इसने किस करते हुए देख लिया और अब कल समझ गया कि मैंने जैसे सच में कर ली हो। तो कह लगता है कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ ये सब देखा था, कहती है कि नहीं मुझे क्यों कुछ होगा जबकि उसे दिल से बहुत बुरा लग रहा था। अब उसके शूज उसने उसका पहना दिया था और सौ बार से जाने लगते पर उसे रोकर कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तू पास से आई हो फ्यूचर से या प्रेजेंट से हो, मैं बस तुमसे ये पूछा चाहता हूं कि तुमने लाइफ में मुझे कभी भी लाइक नहीं किया चाहे कुछ ही मोमेंट के लिए, कभी ऐसा नहीं हुआ। अब सौ से कैसे बता सकती थी कि वो हमेशा से लाइक करती आई है, पर यहां पर उसे झूठ बोल देती है कि नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। ये सुनकर सियाचे का दिल टूट जाता है, वो घर पर आ जाता और सौ भी अपने रूम से उसके रूम की तरफ देख रही होती जैसे सियाचे अपने रूम की विंडो ओपन करता तो वो फौरन से नीचे बैठ जाती है। अब उसे बैठकर वही वाला सीन याद आ रहा होता है जिस टाइम पर उसने सियाचे को बताया था कि मैं तुम्हें लाइक करता हूं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसी मोमेंट को याद करते हुए वो बहुत ही ज्यादा रोई होती है और ऐसे हमें किमताई दिखा जाता है जो अपने डैड को उनकी चीजें लाकर देता है। तो अपनी पैंटीज की बात कर रहे होते हैं किमताई कहता है कि आपको बस उन्हीं पैंटीज की पड़ी हुई है घर पे खुद आ जाता अपनी चीजें ले लिया करें। ये कहने के बाद किमताई वहां से जाने लगता है तो वैसे ही उसके डैड के पास दूसरा पर्सन आकर बता देता है कि हमें वो ट्रक मिल गया है जिसके बारे में सॉल ने बताया था। अब सॉल का नाम सुनते हैं किमताई वहीं पर रुक जाता है और पूछने लगता है कि सॉल और इधर हमें इतिहास दिखाया जाता है जो अपनी कटिंग करवाने के लिए आया हुआ था। अब वो भी से पूछने लगते हैं कि क्या तुम आगे में जा रहे हो इस तरह की कटिंग करवा लेते हो, कहते हैं कि नहीं। अब ऐसे इसकी कटिंग होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे इसने कटिंग करवाई थी इसी वजह से क्या पहनकर सोचे के घर पर आ जाता और सोचे जैसे ऊपर आता तो उसे रोककर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता है। कहते हैं कि उसके सामने उतार लेता है उसकी बहुत ही अजीब सी कटिंग हुई होती है तो उसकी कटिंग को देखकर वह लगता है कि तुमने क्या किया, तो रोने लग जाता है कि तुम्हें ऑडिशन के लिए साथ में जाना होगा बट हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो कह लगता है कि हाँ मुझे पता तो लगा है कि तुम लोगों को पैसे भी निकाला जा रहा है क्योंकि पैसे ज्यादा नहीं बना रहे हो। उसके साथ ही सोचे भी रोने लग जाता है, लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब ये सब तो इन्हें इमेजिन कर रहा होता है, असल में तो अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं था क्योंकि वो ऐसा सोच रहा था कि अगर वैसे कटिंग करवा लेता तो सोचे फौरन से मान जाए।